सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी में, अशोक चांदना कांग्रेस पार्टी में, धीरज गुजर कांग्रेस पार्टी में। अगर कांग्रेस पार्टी को जहाज डूबियो, ये भी सारा लारा ही डूबेगा, ध्यान रख। नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सूबे की सियासत में अगर इन दिनों कोई सबसे ज्यादा चर्चाओं में है तो वो है उपचुनाव का सियासी रंग। दरअसल 3 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और इन उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के जो सियासी महारथी हैं उन्होंने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। लेकिन इसी दरमियान सूबे की गहलोत सरकार के मंत्री अशोक चांदना का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में अशोक चांदना अपनी ही पार्टी के लिए ये कह रहे हैं कि यदि कांग्रेस पार्टी का जहाज डूबता है तो ध्यान रखना, डूबेंगे सभी। उन्होंने ये भी कहा कि सचिन पायलट भी कांग्रेस पार्टी में है, अशोक चांदना भी कांग्रेस पार्टी में है और धीरज गुर्जर भी कांग्रेस पार्टी में है। जाहिर तौर पर उपचुनाव को लेकर जब सियासी बिसात बिछी हो, ऐसे मौके पर अशोक चांदना के इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सबसे पहले मंत्री अशोक चांदना का ये बयान सुनिए, फिर इसके पीछे की आपको सियासी कहानी बताते हैं। सुनिए मंत्री अशोक चांदना का बयान। सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी में, अशोक चांदना कांग्रेस पार्टी में, धीरज गुजर कांग्रेस पार्टी में। अगर कांग्रेस पार्टी को जहाज डूबियो, ये भी सारा लारा ही डूबेगा, ध्यान रख। कोई का गलतफहमी हो ना का कांग्रेस को डूब जाओ और मगर रह जाओ, ना के दिमाग से गलतफहमी ठीक कर दीजो। जब इंसान की भावना ने ठेस पहुंचे जाए तो उनको मजो पूर्वक गाँव लग। परिवार में दो भाई में झगड़ो हो जाओ, कोई भाई ने ज्यादा मिल जाओ जायदाद, कोई ने कम मिल जाओ, तो गांव का तो सुना आपने गहलोत सरकार के मंत्री अशोक चांदना का बयान, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा यदि कांग्रेस का जहाज डूबता है तो सभी डूबेंगे। क्या ये माना जाए कि मंत्री अशोक चांदना की ये नसीहत पायलट गुट के लिए थी? क्योंकि आपको बता दें, राजसमंद और सहाड़ा दोनों ही सीटों पर जो गुर्जर वोटरों की तादाद है वो अच्छी खासी है, लिहाजा कहीं ना कहीं आने पिछले दिनों में जिस प्रकार से पायलट की नज़रअंदाजी की गई उससे कहा जा रहा है कि गुर्जर समुदाय नाराज चल रहा है और हो सकता है कि इस उपचुनाव में जो पायलट समर्थक है वो समर्थक कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी न जाहिर कर दे कांग्रेस के प्रति। लिहाजा इसको लेकर जो अशोक चांदना का जो ये बयान सामने आया है उससे जोड़कर देखा जा रहा है कि अशोक चांदना इस बयान के मार्फत आम जनता में और पायलट समर्थकों में ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि कांग्रेस पार्टी का नुकसान होगा तो नुकसान सचिन पायलट का भी होगा। खैर, जाहिर तौर पर जब उपचुनाव का रण है तो अब नेताओं की इस प्रकार की बयानबाजी का आना लाजमी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ नहीं, बल्कि अपनी ही यदि पार्टी के नेताओं के बीच में यदि इस प्रकार की कशमकश जैसी स्थिति कांग्रेस पार्टी में चलती रहेगी तो जाहिर तौर पर हालात खराब हो सकते हैं। बहरहाल, एक खबर यह भी है कि प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी अब उपचुनाव को लेकर सक्रिय होने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक आगामी 6 तारीख को जो अजय माकन हैं वो उदयपुर के दौरे पर आएंगे और उदयपुर से ही वो तमाम जो 3 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं वहां पर बारीकी से पैनी निगाहें रखेंगे। इस दरमियान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। जैसा कि 2 दिन पहले हमने अपनी खास रिपोर्ट में द फैक्ट इंडिया के दर्शकों को बताया था कि उदयपुर में कांग्रेस पार्टी एक मिनी वॉर रूम भी बनाने की योजना कर रही है, जिससे कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर अपनी
निगाहें बनाकर रखेगी। जाहिर तौर पर अब उपचुनाव चूंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न चिन्ह बन चुके हैं, लिहाजा दोनों ही दलों के नेता तमाम ताकत झोंक देने में लगे हैं, क्योंकि गहलोत सरकार इन तीनों सीटों को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहती, तो ही भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर इन तीनों सीटों पर विजय का पताका गाड़ना चाहती है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि सियासी शह और मात के खेल में बादशाहत किसे मिलती है। दोस्तों, उपचुनाव से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबरों पर द फैक्ट इंडिया टीम की पैनी निगाहें बनी हुई है। कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।